अब हम शुरू करते हैं, इस मुद्दे पे आते हैं कि हाउ टू स्टडी द कम्पिटेटिव बुक फॉर द एग्जामिनेशन। कैसे हम स्टडी करें किसी प्रतियोगी बुक को परीक्षा के दौरान, कैसे हम उसका अध्ययन करें, इसको बताने के लिए मैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी यूथ कम्पिटिशन टाइम्स परिवार में एज एक्सपर्ट के रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। होता क्या है कि स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी बुकों को देख करके भ्रम में पड़ जाते हैं, कौन सी बुक लें, कौन सी बुक ना लें, कौन सी बुक सिलेबस को टॉपिक को कवर कर रही है, कौन सी नहीं कवर कर रही है। तो हम ऐसे इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमारा यूथ कम्पिटिशन टाइम्स परिवार एक ऐसी पुस्तक आपके बीच में लाया है, और अगर आप पीसीएस लेवल का एग्जाम लेते हैं उसके लिए भी पुस्तकें आई हुई हैं मार्केट में। और जैसे आपके सामने यह पुस्तक है, पीसीएस लेवल का यूपीपीएससी का बुक है, इसमें को अगर आपको पढ़ना हो इसमें आपको ये देखना होगा कि पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो कैसे हैं, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे सोल्यूशन दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारी इस बुक में ईयर वाइज प्रश्न तो है ही, साथ साथ टॉपिक वाइज प्रश्न भी दिए गए हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न लिए गए हैं, किस ईयर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न को का चयन किया गया है, बोर्ड ने चयन किया है, इसको भी इसमें मेंशन किया गया है। तो हमारे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि यह बुक आपके लिए दी बेस्ट बुक साबित होगी जो आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हुआ हूं, पीसीएस लेवल पर जनरल स्टडी की बुक। थैंक यू। जैसे टॉपिक वाइज स्टडी करने की बात है, जैसे आप मान लीजिए जीएस में एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है हिस्ट्री, जो कॉमन पार्ट है, सब हर एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री में आप देखिए टॉपिक वाइज जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वह एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इतने टॉपिकों से, इतने क्षेत्रों से आपके पास प्रश्न आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जैसे आपको देखिए जो सीक्वेंस है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, आफ्टर 200 बीसी है, बिफोर 300 एडी है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता पीरियड है, लेटर गुप्ता पीरियड है, राजपूत एरा है, और फिर आप जो है फिर साउथ में चले जाइए, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री, प्री मेडिवल है, प्री मेडिवल में आपके जैसे परमार वंश हुआ, राजपूत वंश हुआ, फिर जो है गढ़वाल वंश हुआ, ये सब जो है जो डायनेस्टीज है छोटी छोटी ये आएंगी। फिर 1280 जब आएगा तो आपका दलहई संतुलन शुरू हो जाएगा, 1282-1526 AD तक आपका दलहई डायनेस्टी चलेगी। उसके बाद जो है मुगल एम्परर शुरू हो जाएगा, 1526 में बाबर का आक्रमण होता है पानीपत के प्रतिनिधित्व में, वहां से स्टार्ट होकर के डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो है वास्तव में आपका दिया औरंगजेब, यानी औरंगजेब के पीरियड के बाद ही मान लिया जाता है, क्योंकि जो भी सक्सेसर आए, जो भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत ही डल थे, बहुत ही कमजोर थे, वह शासन करने योग्य नहीं थे, इसलिए वहीं से पतन हो गया मुगल एम्परर का, मुगल एम्पायर का। औरंगजेब के समय तक यानी 1707 AD तक, 1707 AD तक आपका मेन मुगल एम्पायर है। उसके बाद प्री मॉडर्न हिस्ट्री है, प्री मॉडर्न हिस्ट्री में आपका रिफॉर्मेशन एंड जो है रिनेशा, पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, रिनेशंस एंड रिफॉर्मेशन बोध, जिसमें डॉक्टर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्तियों ने इसमें कार्य किया है, समाज को सोशल रिफॉर्म किया है, उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा। फिर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत खास करके 1757 से प्लासी के युद्ध से शुरू हो जाती है, और फिर यह बढ़कर के 1773 से गवर्नर जनरल का काल शुरू हो जाता है आपकी कलकत्ता का, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ कोलकाता के काल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1835 के एक्ट के तहत आ जाते हैं, और वहां से शुरू होकर 1857 तक जो रिवोल्ट 1857 का है, 1857 क्रांति जिसे कहते हैं, उस जिस समय लॉर्ड कैनिंग वाज द
लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कैनिंग वहां पर जो है रिवोल्ट खत्म होने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर प्रिंसिपल जो कंट्रोल के शासन को मुक्त कर देते, सीधे पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट से रूलिंग शुरू हो जाती है, महारानी विक्टोरिया का आगमन शुरू हो जाता है और सीधे जो है भारत के शासन को ब्रिटिश संसद अपने हाथ में ले लेती है और एक नए पद का सृजन करती है जिसे वायसराय कहते हैं और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है जो अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग से शुरू होकर के फिर आगे बढ़ते हैं भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उसके बाद फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टेजेस शुरू हो जाते हैं 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 इंडिपेंडेंस तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह तीसरा चरण माना जाता है। और आपको देखने को यही मिलेगा कि आफ्टर 1940 यानी 1940 के बाद 1942 का जो क्विक इंडिया मूवमेंट है जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जिसमें इलाहाबाद ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी को देखने को मिलता है, वहां पर पूरे भारत को का यूनिफिकेशन देखने को मिलता है, एकीकरण देखने को मिलता है, जिससे घबरा करके अंग्रेजों ने जो आप लोग पढ़ते हैं अंग्रेज छोड़ के चले गए, अंग्रेज बड़े आसानी से छोड़ के नहीं चले, देयर वाज नो एनी ऑप्शन इन दैट टाइम, उनके पास कोई विकल्प ही छोड़ने के अलावा नहीं था क्योंकि पूरा भारत यूनाइट हो चुका था, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक हो चुका था और पूरे देश को संभालना उनके बस की बात नहीं था विरोध को, इसलिए उन्होंने जितने भी प्रपोजल लाए, चाहे कैबिनेट मिशन आया, चाहे नेवल योजना आई, चाहे माउंटबेटन योजना आई, सारे के सारे जो है नॉन एक्सेप्टेबल थे, किसी को स्वीकार नहीं किया गया, अंत में अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करना पड़ा और दो भागों में भारत और पाकिस्तान के रूप में फ्रीडम एट मिडनाइट, स्वतंत्रता आधी रात को एक पुस्तक है, स्वतंत्रता आधी रात को इसको आप पढ़िएगा, भारत को 14 अगस्त के 12 बजे रात को पहले पाकिस्तान को अलग किया गया और 12 बजे रात के बाद भारत देश का निर्माण किया गया, इसीलिए पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और इस पर कमेंट करें और कमेंट में अपना सुझाव देने का कष्ट करें। थैंक यू।